दोस्तों, मैं रानी द्विवेदी आप सभी का क्यून किचन रानी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सबके लिए पोहा की रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिस्पेक्ट है कि आप हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो ये हमने मार्केट से मोटा वाला पोहा लिया है। इसको अच्छे से हम धुल लेंगे। इसमें बहुत सारी मिट्टियाँ होती है और पोहे में स्टार्च होते हैं, तो हाथों से हमें अच्छे से मल के धुलना है बिल्कुल। तो धुल लेंगे इसको, दो तीन पानी से धुलेंगे। हमें वैसे नहीं धुलना है, हमें हाथों से ही अच्छे से धुलना है। इसका पानी बिल्कुल निकाल लेना है। धुलने के बाद पानी आपको पोहा में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे से निचोड़ के निकाल लेना है। तो देख सकते हो हमने पूरा पानी इसका निकाल लिया अच्छे से, आपको देख के ही लग रहा होगा। अब इसमें हम नमक डाल देंगे एक चम्मच पोहे में, इसी के साथ डालने से बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें हम चीनी भी डाल देंगे, हम खट्टा मीठा बना रहे हैं पोहा, तो एक चम्मच के करीब इसमें हम चीनी डालेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो मत डालिए, अगर आपको नहीं पसंद है, बट डालने से बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार मेरे तरीके से आप ज़रूर बनाइए। अब ये हम आधा नींबू डाल देंगे, नींबू डालने से बहुत खिला खिला बनेगा। मिक्स कर लेंगे पोहे को अच्छे से। अब इसको 10 मिनट तक हम ढक के रख देंगे रेस्ट पे। ये हमने आधा कप के करीब मूंगफली लिया है, अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। हमें जब भी मूंगफली को भूनना है हल्के गैस पे भूनना है, इससे बहुत ही अच्छा मूंगफली आपकी भुनेगी। तो देख लीजिए मेरी मूंगफली कैसे भुनी है। अगर आप तेज आंच पे भूजोगे तो आपकी मूंगफली ऊपर से तो जल जाएगी लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाएगी, तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी, कच्चापन रह जाएगा। तो आप जब भी बनाइए गैस को लो मीडियम फ्लेम पे ही भूनिए। तो हमने भूज के एक प्लेट में इसको निकाल लिया। ये हमने एक टमाटर ले लिया, एक प्याज ले लिया, दो हरी मिर्च ले लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप मत डालिए। काट लेंगे टमाटर को अच्छे से। अच्छे से काट लिया है, गैस पे हमने पैन रख दिया है। इसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया है, राई चटकने के लिए डाल दी हूँ। अब ये हमने हरी मिर्ची को थोड़ा बड़े बड़े ही स्लाइस में काटी थी, तो इसको भी हम डाल देंगे। इससे ये होगा कि जिसको मिर्ची नहीं पसंद है बाहर कर देगा,
तो आपको तीखा भी नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा वो लगेगा। जिसको तीखा चाहिए तो वो अपने में मिक्स कर लेगा अच्छे से। हमने इसीलिए मिर्ची को थोड़ा बड़े बड़े स्लाइस में काटा था। हमने प्याज डाल दिया, प्याज को हल्का सुनहरा तक भून लेंगे। तो देख सकते हो हमारी प्याज बिल्कुल भून चुकी है। हमें प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। अब इसी के साथ हम टमाटर डाल देंगे ताकि हमारा टमाटर जल्दी से पक जाए। अब इसमें हमने एक पैकेट गरम मैगी मसाला डाल दिया है। मैगी मसाला डालने से पोहे का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एक अलग सा फ्लेवर निकल के आता है। अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो आप और भी मसाले यूज कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे मसाले आते हैं, गरम मसाला, मीट मसाला, राजेश मसाला, कोई सा भी मसाला आप यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो पोहा भी मेरा पूरा पानी अब्जॉर्ब कर लिया है, बिल्कुल खिला खिला है। आपको देख के ही लग रहा होगा बिल्कुल चिपचिपा नहीं बना, एकदम खिला खिला बना है। तो अब चलिए इसको निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। मूंगफली डालेंगे। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।